अस्सलाम अलैकुम। आज की ताज़ा खबर न्यूज़ खबर टीवी के साथ में हूँ आयशा फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन शाह फैसल गोहर अली खटक की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला कोरंगी समेत दीगर अजला से पार्टी वर्कर्स और सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद PTI रहनुमाओं ने किया कहा। अलिफी नाजरीन, हम आपको सुनवाते हैं। तो टाउन चेयरमैन गौहर अली को मुबारकबाद देता हूँ कामयाब प्रोग्राम के ऊपर। हमारे हल्के के अंदर उन्होंने एक ज़बरदस्त इफ्तार डिनर का अहतमाम किया असीरान के लिए, ज़िला कोरंगी से जो हमारे लोग जेल में गए थे, और कारकुनान के लिए। और ये एक बैनुल जमात इफ्तार था, दीगर जमातों को भी इनवाइट किया था। उन तमाम लोगों का भी मैं दिल से मशकूर हूँ आने के लिए, और क़यादत का, ख़ास तौर पर साबिक सदर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तशरीफ़ लाए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन का। इफ्तार का मकसद ही यही था, असीरान को खराज तहसीन पेश करने का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान ख़ान साहब के लिए दुआ करवाई गई, ख़ास तौर पर उनकी अहलिया के लिए, और तमाम हमारे कायदीन और सियासी कारकुन जो इस वक्त जेलों में, उनके लिए और पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई गई। और जो जो तकलीफात से गुज़र रहे हैं, जो हमारे कारकुन जो है उनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, ज़्यादती हुई, उनके लिए जो है वो ख़ास तौर पर दुआ करवाई गई। तो एक दुआया तकरीब थी। इफ्तार हूँ गोहर खटक साहब का, कि जिन्होंने आज का इफ्तार में हमें इनवाइट किया है। बड़ी पुरवकार और पुर रौनक का यहाँ पर आज इफ्तार डिनर हुआ है। पार्टी की सारी सीनियर क़यादत, जूनियर क़यादत सब मौजूद है, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं इतने अच्छी इफ्तार डिनर पर गोहर खटक साहब को। अल्लाह ताला ये सारी कौम खान साहब के लिए दुआएँ भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि खान साहब जो है वो बरी होकर, बाइज़्ज़त बरी होकर अपने घर आए और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी संभाले। अस्सलाम।